नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं NT24 न्यूज। आज हमने आम आदमी पार्टी को देखा बहुत ज्यादा प्रदर्शन करते हुए। काफी भारी मात्रा में लोग एकत्रित हुए थे और नारेबाजी कर रहे थे बीजेपी के खिलाफ, चंडीगढ़ की मेयर के खिलाफ। क्या है कारण, क्यों ऐसा किया गया, आइए बात करते हैं स्वयं चंडीगढ़ की मेयर सरबजीत कौर ढिल्लों से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, जो ये आज जिस तरीके से प्रदर्शन किए गए हैं, इसका मेन कारण क्या हो सकता है? जिवें अज प्रदर्शन कर रहे ने, इन्हों का मैं मानती हाँ कि राइट हैगा, पर असी आम पब्लिक नूं उन्हां दे हित लई करिए तां ज़्यादा वधिया है। जिवें मैं कहा सीगा कि असी गवर्नर सर कोल जावांगे, उन्होंने सानूं बुलाया भी, असी गए, आप ते कांग्रेस ते काउंसलर असी सारे गए। गवर्नर साहब ने सब तो पहला यही किया, देखो रेट तां इनक्रीज़ होंगे 10-11 साल च, मे बी जो नहीं हुण तक वधे हैं वो देखो वो रेट तो थोड़े बहुते बदनगे। अच क्या चीज़ नहीं वधी हैगी 10-11 साल च, ते उदो उन्होंने ये किया सीगा ठीक है तुसी सारे अपने अपनी राय दे दो स्लैब्स जो तुसी चाहते हो स्लैब्स, ते उदे असी किया सीगा जो लास्ट हाउस च पास होया सीगा 3-6-9-16 कि सर जो हाउस च पहला पास हो चुका है असी वो चाहते हैं कि वह रेट लागू होन, पर उदो आप ते कांग्रेस ने साडा साथ नहीं दिता। अज इत्थे प्रदर्शन करन दा की फायदा, जे अगर तुसी उस दिन साडा साथ दंदे तां असी ए रेट लागू हो जाने सीगे। गवर्नर सर ने फिर सानू दूजी बार किया चलो ठीक है तुसी एक एडवाइजर सर नाल कल दोबारा एक बार मीटिंग करके तुसी अपने अपने जो प्रधान ने उन्हां नू भी बुला लो, आप ते काउंसलर दे प्रधान भी आए सीगे, ते तुसी उन्हां नू बुला लो ते तुसी आपस च अपना एक मता करो कि तुसी की चाहते हो। अगले दिन फिर जो एडवाइजर सर नाल साड़ी मीटिंग हुई है तो उहदे च आप ते कांग्रेस से भी प्रधान आए सीगे, चावला सीगे, सूद सीगे ते प्रेम गर्ग जी सीगे, ते उदों भी एडवाइजर सर ने बार बार ये चीज़ रिपीट की है तुसी सारे अपना एक मता दसो, एक तरीक तो रेट तो लागू हो जाएंगे, तुसी अपनी सारे सहमति दसो कि थोड़े तुसी की चाहते हो, की स्लैब्स ने थोड़ी। अकाली वाले हरदीप जी ने भी कहा ठीक है जो लास्ट हाउस च होया है पास होए ने पानी दे रेट वो चाहिए, असी भी यही कह के जो लास्ट हाउस च पास हो चुके ने वो रेट सर तुसी लागू कर दो, पर उदों आप ते कांग्रेस ने साडे नाल सहमति नहीं जताई। मेरे ख्याल ये चाहते ही नहीं सीगे कि रेट घटन। मेरे ख्याल एक मुद्दा मैं तो खुद उन्होंने पहला तो कहती रही हाँ कि पार्टी तो उपर उठ के असी एक होके चलना है, अगर मैं ना चाहती तो मैं उन्होंने लेके ही ना जाती, ठीक है एक तो लागू हो जाते, पर मैं अपनी तरफ तो कोशिश की उन्होंने नाल लेके गई, पर उदो उन्होंने बिल्कुल सहमति नहीं जताई। मेरे ख्याल वो चाहते यही सीगे कि मतलब कि किसे एक पासे गल होवे ना ते रेट बदन ते इना ते नाम आवे, अगर उस दिन असी एक सलाह कर लेंदे तो शायद मैं इन्ने रेट ना वधे। पर मैं फिर भी हुण भी कहूंगी कि गवर्नर सर दा थैंक्स कहूंगी, 3 और जो 6 स्लैब्स है आम सामान्य वर्ग ते इहदा कोई फर्क नहीं पिया हैगा, अगर फर्क पिया है तो ज्यादा जिहड़ियां दी 4-5 कनाल दीआं कोठियां ने या कमर्शियल ने इंस्टीट्यूट ने उन्हां ते फर्क पिया, पर आम जनता ते इहदा कोई फर्क नहीं है। तो ये जो पानी के रेट बढ़े हैं इसका मेन कारण क्या है, जनता को इस चीज से क्या फायदा हो सकता है? देखो जो पानी दे रेट बढ़े हैं कारपोरेशन काफी घाटे च जा रही है, जे साडा असी ओ पूरा कर ही नहीं सक रहे हैं, जो पानी दा मेरे ख्याल कजौली तो जो पानी आंदा वो काफ़ी 100 मीटर काफ़ी नीचे जा चुका है, जो मोटर राही इत्थों तो कजौली जान जो देखो 1.5-2 घंटा लग जाता, वो चंडीगढ़ तो तक पानी आना जो मोटर चलती है उदा बिल है वो असी वो भी नहीं पे कर पा रहे हैं कारपोरेशन, इस करके उस घाटे नूं असी पूरा करन लई थानू सानू कुछ रेट तो इनक्रीज करने सीगे, पर अगर उस दिन दोनों पार्टियां साडे नाल सहमति हुंदी ना ता मतलब वो ये ना कोई असी अगर देखो कल मेरे वार्ड का नहीं सीगा या मैं कहने मेरे वार्ड च पानी दे रेट घट है उन्होंने वधे हैं, देखो वधे तो सब च है ना, प्रॉब्लम सबनों है, मैं मानती हाँ कि आम जनता सारी असी उन्होंने चुने हुए नूं मानते हैं, अगर असी एक होके नहीं अपने शहर लिए काम करांगे तो फिर असी मैं क्या सारे असी घाटे च हैं, क्योंकि किसी भी काम नूं अगे ले जाने लिए साडा पार्टी तो उपर उठ के साडा एक डिसीजन होना शहर लिए बहुत वधिया है जी। तो ये चंडीगढ़ की जो जनता है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखो मैं जनता नूं यही कहूंगी कि जो आम जो वर्ग है उते तां इस चीज़ का देखो कोई फर्क नहीं पिया हैगा, ते असी देखो सानू पहला नहीं चीज़ का पता हुंदा जो 24/7 का प्रोजेक्ट है वह साढ़े फायदे लिए है, असी जिहड़ा पानी देखो हुण टैंकियां भर के रखते हैं बाल्टियां भर के रखते हैं वह असी ये चीज़ नहीं होएगी, तो सारी टोटली पाइपलाइन चेंज होंगे, तो मैं कहूँगी अस पहला सानू लगता है कि कोई चीज़ वधिया रहे साढ़े लिए खराब होएगी, पर जब वो 24/7
जो प्रोजेक्ट आएगा मे बी लोगों को पता चलेगा कि वह उन्होंने कितना वधिया स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ की बेहतरी लिए डिवेलप करने लिए कितना वधिया है। तो ये थे हमारे साथ चंडीगढ़ की मेयर सरबजीत कौर ढिल्लों। इनका ये कहना है कि कॉरपोरेशन काफ़ी ज़्यादा घाटे में चल रहा था जिस वजह से ये कदम उठाना पड़ा है उनको, और 24/7 पानी लगातार आने वाला है चंडीगढ़ में काफ़ी जल्दी। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ NDTV24 न्यूज़।